यहाँ से मस्तियाँ कर रहे हैं आज, ये मस्ती के मूड में। ये मक्खन है आज, ये लास्ट डोज है आज मक्खन की दोस्तों। तो ये मक्खन दीजिएगा, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ा है ये पूरा। ये देख के पाव पे ना चढ़े। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम फार्म पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और फार्म पे आज बहुत धूप है, ये देखिए धूप धूप है आज, मौसम बिल्कुल चेंज है। कल दो दिन बारिश की प्रिडिक्शन थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी, कल हमने ऑफ भी किया था। और आज हम फार्म पे आए, आज देंगे हम मक्खन जानवरों को। वीडियो पे बने रहे, न्यू व्यूअर्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक जरूर करें। चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं आज की अपडेट। ये ब्रश और खरखरा लग रहा है जानवरों को आज, आज इनका शावर डे नहीं है तो आज इनकी इस तरह से क्लीनिंग हो रही है। ब्रश और खरखरा लग रहा है, उसके बाद इनका होगा मक्खन। समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ठीक है। ये सारे जानवर माशाल्लाह से खड़े हुए हैं इत्मीनान से, तहमुल से। मच्छर कम हो चुके हैं, अब आग भी नहीं लगा रहे, मच्छर कम हो चुके हैं, जानवर बिल्कुल ठीक ठाक है। मिट्टी ही मिट्टी निकलती है, इतनी मिट्टी निकलती है इनके पास से, सारी मिट्टी में बैठते हैं ना, सारी मिट्टी मिट्टी निकलती है। जानवरों को, जानवरों की हो रही है सफाई, क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद इंशाल्लाह इनको दिया जाएगा मक्खन। ये मक्खन है आज, ये लास्ट डोज है आज मक्खन की दोस्तों। तो ये मक्खन दीजिएगा, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ा है ये पूरा, ये इतना बड़ा, ये दो दो पेड़े। आज थोड़ा बहुत हम बकरों को भी दे देंगे ताकि उनका भी दिल ललचा रहा था मक्खन खाने का, तो आज उनको थोड़ा थोड़ा उनको भी चटा देंगे और ये मक्खन आज फिनिश हो जाएगा। यहाँ से मस्तियाँ कर रहे हैं आज, ये मस्ती के मूड में ये मस्तियाँ कर रहे हैं। आज इनको शावर नहीं देंगे, कल शावर दे चुके हैं, कल हमारा ऑफ था, कल शावर दे दिया था नियाज़ भाई ने, आज इनको देंगे मक्खन। तो ये मक्खन कट रहा है, ये मक्खन के बड़े बड़े पीसेस को बीच में से काट रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सख्त हुआ हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इनको मक्खन देना है, उसके बाद इनके वनडे का टाइम हो जाएगा, तो वनडे से काफ़ी देर पहले देना होगा मक्खन ताकि ये वंडा ना छोड़े, वंडा उठा ले। तो अभी इसको काट रहे हैं मक्खन को ताकि थोड़ा नरम हो जाए, पीसेस बना रहे हैं छोटे छोटे। इतना सारा मक्खन है आज, ये आखिरी डोज है इनकी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको हज़म करवाए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये मक्खन की आखिरी डोज करें या इसको और बढ़ाएं, क्योंकि हमारी तरफ से तो ये आखिरी डोज है। मिल्किंग एनिमल्स का वंडा भी रेडी हो चुका है, ठीक है, ये दिया जा रहा है इस तरह भर भर के जानवरों को, ठीक है। मिल्किंग स्टार्ट होने वाली है और हम मक्खन देंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जानवरों को मक्खन देने का तरीका। मक्खन उठा लिया है नियाज भाई ने, नियाज भाई दे रहे हैं मक्खन हमारे सुल्तान साहब को। सुल्तान बहुत शरारती हो गया है, सुबह सुबह टक्करें मार रहा, मस्तियाँ कर रहा था, बहुत शरार। अभी सुल्तान को मक्खन दे रहे हैं, ये मक्खन दिया जा रहा है सुल्तान को। सुल्तान साहब मक्खन खा रहे हैं मज़े मज़े से, आज मक्खन ज़्यादा है, आज आखिरी डोज है मक्खन की इस सीज़न की, 2024 की सीज़न की आखिरी डोज मक्खन की, उसके बाद इनका शुरू होगा मिल्क इंशाल्लाह। देखिए हेल्थ देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हमारे सुल्तान की, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर बोले। ये आ गई हमारी निखार की बारी, ब्राउनी ब्राउनी हो गई है माशाल्लाह से, ये गोलू गोलू सी, इनको दिखा दे रहे हैं मक्खन। आज ये आखिरी मक्खन है, जानवर बोलेंगे अल्लाह का शुक्र मक्खन खत्म हो गया। भाग रही है, बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हम भी दे के रहेंगे क्योंकि आज आखिरी मक्खन है, इसके बाद इनकी डोज खत्म है। निखार खा लो खा लो, आज आपका आखिरी मक्खन है। काफ़ी देर रखी है हमने मक्खन को, ये पीछे से बैग देखे माशाल्लाह से निखार की कितनी क्यूटी क्यूटी हो गई है माशाल्लाह से। मौसम चेंज हो गया, अभी जब हम आ रहे थे इतनी तेज़ धूप थी, अब मौसम बिल्कुल बादल बादल जैसा हो गया, मौसम सुबह दोपहर शाम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। अभी ठंडा ठंडा सा हो गया मौसम, ये देखें सारा मौसम ठंडा ठंडा हो गया, थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप थी जब हम आ रहे थे, अब मौसम अच्छा हो गया। बस इन्होंने मुँह में बचा लिया हरकतें, ये निकाला, ये देखें ये ज़बान के पीछे छुपाया था इन्होंने, बहुत शैतान है निखार, निखार ये ज़बान के नीचे इन्होंने छुपाया था, ये अभी पकड़ा है इनका, इनकी चोरी पकड़ी गई। देखिए ये सारा मक्खन इसके मुंह में अंदर पड़ा हुआ है,
ये हमें धोखा दे रही है, मैंने खा लिया, देखिए मुंह बंद करके धोखा देती है, ये इसने खाया नहीं होता, बहुत शरारती हो गई ने खा। अभी हम आशा चॉकलेटी का बड़े बड़े पेड़े दे रहे हैं आज, चॉकलेटी को भी इन सबको बड़े बड़े पेड़े दे ले जा रहे हैं। चॉकलेटी भी थोड़ा नखरा कर रही है मक्खन उठाने, लेकिन खा लेगी इंशाल्लाह। ये चॉकलेटी को भी खोल खोल के मक्खन दिया जा रहा है, चॉकलेटी भी मक्खन खा रही है। चॉकलेटी ने भी मुँह में छुपा लिया है और ये बोल रही है मुझे छोड़ो ताकि मैं निकालूँ, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं नियाज भाई, को पकड़ के रखेंगे। देख के पाँव पे ना चढ़े, गोली गोली हो गई ये भी। ये और निखार एक ही साथ है, एक ही टाइम पे दोनों की पैदाइश है, एक ही टाइम पे बर्थ है दोनों की। इन्होंने भी खा लिया है, थोड़ा सा छुपाया है मेरे ख्याल से, छुपाया नहीं छुपाया, गिरा दिया था, लो इन्होंने खोर में गिरा दिया था। बहुत शरारती है जानवर, बहुत शरारती है। चॉकलेटी की बच्ची, कलर देखें इसका कैसा, चॉकलेटी चॉकलेटी ऐसी। हमारे पास एक और भी थी जो लास्ट ईयर हमने कुर्बान कर दी थी, सेम ऐसी थी, इसी की बहन थी वो, सेम ऐसी थी। और आपको दिखाता अगर मैं पिक्चर में अपडेट कर दूंगा इसकी बहन भी, कि इसकी बहन कैसी थी, वो लास्ट ईयर हमने कुर्बान कर दी थी। देखो उछल रही है, मस्तियाँ कर रही है। ये आ गई हमारी बछड़ी की बारी, इसको दिया जा रहा है मक्खन। रस्सी घुमा देना वरना भागेगी ये, आज नहीं भागेगी ये, आज इसको दिया नहीं है ना इसलिए नखरा करेगी ये। देखिए थोड़ा नखरा कर रही है ये, इनको भी बड़ा मज़ा आया मक्खन खाने में। ये मक्खन खा के आराम से बन गई है। ये मक्खन का पेड़ा दिया जा रहा है हमारे किसको, अजवा को। ये अजवा आराम से खड़े हैं शान से माशाल्लाह, इनको मक्खन दिया जाएगा। अजवा आराम से खा लेता करता, ये इनको मक्खन दिया जाएगा अभी, ये मक्खन खाएंगे मज़े मज़े से। हाँ ये इनको दे दिया मक्खन, ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़रबंद से बचा जानवरों को, माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करा करें और बताएं आप लोग को हमारा अजवा कैसा लग रहा है आज। मक्खन खा रहे हैं माशाल्लाह से मज़े मज़े से, ये अच्छे बच्चे हैं, गुड बेबी हैं। हिलना मत, हिलना मत, नियाज भाई बोल के गए हिलना मत, ये खुले हुए हैं, नियाज भाई बोल के गए इनको हिलना मत। देखिए बात कितनी मानता है माशाल्लाह, खड़ा हुआ है वैसे ही खड़ा हुआ, पाँव भी आगे पीछे नहीं कर रहा। ये देखिए ये नियाज भाई आ गए वापस, जानवर समझते हैं। ये दूसरा मक्खन भी इनको दे दिया, अभी इसी जगह पे बछड़ी होती ना वो भाग चुकी होती, ये आराम से खड़े हुए। बछड़े ज़्यादा बात सुनते हैं, बछड़ियाँ चुलबुली होती हैं, बछड़े इतने चुलबुले नहीं होते, लेकिन बछड़ा जब बिगड़ जाए तो फिर संभालने में नहीं आता। एक बार बछड़ा बिगड़ जाए फिर नहीं आता। इनके नकील भी लगी थी नाक में, हमने वो भी निकाल दिए क्योंकि दोनों मासूम हैं, नाक में नकील होती है जानवर अच्छा बनता नहीं है, वंडा अच्छे से नहीं उठाता, तो हमने दोनों की नकील निकाल दी थी, अजवा की भी और बुराक की भी। अब आ रही है बुराक की बारी, बुराक बेबी, बुराक को मोरा लग चुका है, मैंने आपको बताया था मोरा लेकर आए, ये मोरा लग चुका है इनको, लेकिन ये मोरा इनके छोटा पड़ रहा है, ये नया मोरा इनको लग गया है। अभी दूसरों के मोरे के ये हमने टेस्ट के लिए मंगवाया है, लेकिन ये मोरा छोटा हो गया है, अब देखते क्या करते हैं। मोरा ये सबसे लार्ज मोरा मंगवाया था लेकिन ये भी छोटा पड़ गया, ये इनको मक्खन दिया जा रहा है। अब देखते हैं ये इस मोरे पे मक्खन उठाते हैं नहीं उठाते। नया मोरा डाला आज इनको, SSDF लिखा हुआ है, शाह सोबानी डेयरी कैटल फार्म। इनको भी खोल के मक्खन दिया जा रहा है माशाल्लाह से, यहाँ मुँह नहीं खुल रहा है, देखें मोरा छोटा पड़ गया है, मोरा छोटा हो गया है नाजरीन। ये सबसे बड़ा मोरा था और ये भी छोटा पड़ गया, अब इससे बड़ा मोरा क्या करें हम, कहाँ से मंगवाएं। बात करते हैं जिससे मंगवाया अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जानवर को वंडा उठाने में कोई चीज़ देने में प्रॉब्लम होती है। ये मोरा छोटा पड़ गया इनको, ये मक्खन खा रहे हैं माशाल्लाह से आराम से खड़े होकर, साफ सुथरे हो रहे माशाल्लाह से। कल इनको शावर दिया था वो मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि कल हमारा ऑफ था, लेकिन नियाज भाई ने शावर दे दिया था इनको सबको, सारे साफ़ सुथरे हो रहे हैं माशाल्लाह से, नीट एंड क्लीन। थोड़े थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ये पसीना बहुत आता है ना इसको, क्या करें हम।
मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो सही रहता है ये, वरना गर्म होता है तो पसीना पसीना हो जाता है ये। आज बोला नहीं है बुराक ने, वरना आवाज़ निकालता है बुराक। मुंह बंद कर लिया इन्होंने, अब पता नहीं इन्होंने खाया नहीं खाया। तुम भी खुले हुए हो, हिलना मत, यहाँ पर खड़े रहो, ठीक है? आप हिलेंगे नहीं, आप यहाँ पर खड़े रहेंगे, समझे आप? अभी आपको दूसरी डोज भी दी जाएगी। कहाँ जाना है आपको? नहीं 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 बदमाश, पानी पीना नहीं है, नहीं अभी पानी पीने का टाइम नहीं है, अभी आप मक्खन खाएंगे। मस्ती कर रहे हैं हमारे बुर्राक, इनको समझ में आ गया, ये खुल गए तो ये मस्ती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मस्ती करते रहे, इनको मक्खन फिर भी मिलेगा, हम मक्खन इनको फिर भी देंगे। ये खा लिया इन्होंने, बात नहीं सुनते तुम बुर्राक हैं, अजवा बात सुनता है, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। देखें आज इसने बात नहीं सुनी है, अभी मैं इससे नाराज़ हो जाऊँगा। रो रहा है, हाँ हाँ, ठंडा ठंडा लग रहा है ना, इसलिए आंसू निकल रहे हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है इनके। देखिए छोटे छोटे से आंसू निकल रहे मुन्ने के। बस ये आज आखिरी डोज है, इसके बाद तुम्हें नई चीज़ दी जाएगी, फिर तुम्हें उसके मज़े आएंगे। इन्होंने मक्खन खा लिया, माशाल्लाह सबका मक्खन पूरा हो चुका है। आज सुल्तान साहब ने भी खा लिया था मक्खन, ये देख रहे हैं यहाँ से, सुल्तान मक्खन खा लिया, अंडा खाएंगे अब आप। निखार ने भी खा लिया, ये देखे ये आज फुल मस्ती में, इन्होंने भी खा लिया, चॉकलेटी ने भी खा लिया, बछड़ी ने भी खा लिया। आप लोगों ने इसका नाम नहीं बताया दोस्तों, इसका नाम तो बताएं, क्या नाम रखें ब्लैक एंड वाइट बछड़ी का। और ये हमारे अजवा ने भी खा लिया माशाल्लाह, हमारे बुर्राक ने भी खा लिया।